पपीता खाने के 21 ऐसे फायदे जिन्हें जानकर आप आज से ही पपीता खाना शुरू कर देंगे। पपीता मरबूत गर्म मौसम का फल है। पपीता कुदरत का अनमोल तोहफा है जो अपने अंदर मुआजाना खूबियां छुपाए हुए है। कदीम लोगों की नज़र में पपीता जान बचाने वाला फल है। बहुत से लोग इस फल का बतौर सलाद भी इस्तेमाल करते हैं। गोश्त वगैरह गलाने के लिए खवातीन कच्चे पपीते को हांडी में डालती हैं। पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, सोडियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा पपीते का इस्तेमाल हाजमे की अद्वियात में भी किया जाता है। पपीता एक सस्ता फल है, आजकल बाजार में दस्तयाब है। पपीते को अगर हर खाने के बाद इस्तेमाल में लाया जाए तो इंसान कई बीमारियों से महफूज रहता है। कई लोग इसे तरकारी के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं। पपीता के बीजों को भी मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। पपीता कम मिकदार में ही खाएं और इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें। इस मुनफरिद और जायकेदार फल के फवायद भी जानते हैं। इसके फवायद क्या हो सकते हैं? दिमागी अमराज में पपीते का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। सीने और फेफड़ों के अमराज में पपीता खाना शाफी इलाज है। पपीता बदन को फरबा करता है और पेशाब आवर फल है। जिगर, तिली और मैदे के मरीजों को ये फल जरूर खाना चाहिए। पपीता हड्डियों और दांतों के लिए भी मुफीद है। विटामिन ए की ज्यादा मिकदार होने की वजह से पपीता बालों और जिल्द में निखार पैदा करता है। पपीता निजाम और पेट के अमराज से महफूज रखता है। पपीता खाने वाले अफराद कब्ज से महफूज रहते हैं। पपीते की जड़ें बवासीर के मरीजों के लिए अक्सर का दर्जा रखती हैं। पपीते के पत्तों का रस डेंगू बुखार में लेना फायदेमंद होता है। पपीता खाने से पेट के कर्म हलाक हो जाते हैं। पपीते में शहद मिलाकर खाने से आंतों की कारगर्दगी बेहतर हो जाती है। पपीता उम्र में इजाफे का मुअज्जब बनता है। वर्म या सूजन हो जाने की सूरत में पपीते के पत्ते नीम गर्म करके मुतासरा हिस्से पर बांध दिए जाएं तो वर्म और सूजन उतर जाएगी। पपीते के दरख्त से हासिल होने वाला दूध दाद के मकाम पर लगाने से ये मर्ज दूर हो जाता है और निशान भी नहीं पड़ता। पपीता खाने से बीनाई तेज हो जाती है। पपीता बेटा कैरोटीन से भरपूर फल है, इसलिए ये दमा के मरीजों के लिए भी मुफीद फल है। पपीता दिल के अमराज में भी फायदेमंद है। पपीता औरतों को छाती के कैंसर से महफूज रखता है। पपीता खाने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। पपीता जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की सलाहियत भी रखता है। पपीते के नुकसानात क्या हो सकते हैं? हमला खवातीन इसका इस्तेमाल हरगिज न करें क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमल गिर जाता है। पपीते का ज्यादा इस्तेमाल बद हजमी, मैदे के दर्द और हैजे का मुअज्जब होता है। खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज के मरीज भी पपीते का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। पपीता खाने से एलर्जी का इम्कान भी मौजूद रहता है। पपीते में विटामिन सी की काफी मिकदार होती है, इसलिए इसके इस्तेमाल से इजाफी विटामिन सी लेने से गुर्दों में पथरी बन सकती है। पपीते के इस्तेमाल से बाज अफराद को खारिश या दाने भी निकल सकते हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।